स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए, मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? लीवर, यानी कि उत्तोलक। ठीक है, ये क्या होता है बिल्कुल बेसिक से जानते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको समझने की देरी है। तो चलिए, क्या है उत्तोलक, क्या होता है उत्तोलक? एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। ठीक है, मशीन वही है जो आपके काम को आसान करे, वही मशीन है। तो चलिए, इसमें तीन पॉइंट होते हैं उत्तोलक में। क्या होता है तीन पॉइंट? एक तो होता है लोड बिंदु, दूसरा होता है फलक्रम, और तीसरा होता है एफर्ट। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एफर्ट पॉइंट यानी कि प्रयास बिंदु या आयास बिंदु, जहाँ पे आप लगे। ये होता है बीच वाला फलक्रम, फलक्रम आलम बिंदु। ठीक है, और ये एक होता है आपका लोड, यानी कि वस्तु का जो लोड दिया जाए। ठीक है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। क्या होती है? 100% से कम होती है। और उत्तोलक में तीन बिंदु का होना आवश्यक है। उत्तोलक की जब भी बात की जाए, आपको तीन बिंदु चाहिए। एक तो एफर्ट चाहिए, एक फलक्रम चाहिए, और दूसरा रेजिस्टेंस आर्म चाहिए। यानी कि ये तीन बिंदु आपको चाहिए, एफ एल ई। क्या चाहिए? एफ एल ई। ठीक है, फलक्रम, लोड और एफर्ट, ये तीन चीज़ आपको चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए बीच वाला पॉइंट जो है ये फलक्रम है, आप यहाँ एफर्ट लगाते हैं या यहाँ लोड देते हैं, तो ये इधर होगा। अगर इधर एफर्ट लगाइएगा तो इधर यही चीज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अब हम पॉइंट को देखते हैं कि भार बिंदु क्या होता है, यानी कि लोड पॉइंट, वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है। आपको यहाँ दिख रहा होगा भार बिंदु, यही हो जाएगा क्या, जहाँ पे वस्तु होती है। अगर मान लीजिए ये एक तराजू की तरह, मान लीजिए ये तराजू की तरह है, अगर हम इधर लोड दे देंगे, अगर यहाँ कुछ नहीं, यहाँ अगर एफर्ट नहीं लगाएं, अगर मान लीजिए हमको ऐसे सीधा करना है, तो यहाँ हमको एफर्ट लगाना होगा तब सीधा होगा, नहीं तो आप वस्तु लोड जहाँ देंगे, जहाँ भार रखिएगा उसके तरफ क्या हो जाएगा, झुकाव हो जाता है। तो क्या होता है भार बिंदु? क्या होता है वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है, वो भार बिंदु कहलाती है। आलम बिंदु यानी फ्लकरन पॉइंट होता है वह बिंदु जहाँ पर पेंच लगा होता है। क्या लगा होता है? पेंच लगा होता है। और एफर्ट बिंदु क्या होता है? प्रयास बिंदु, वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि फ्लकरम और एफर्ट और लोड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये चीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि उत्तोलक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। और उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट। तो उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, यानी तीन उत्तोलक होते हैं। हम आगे आपको एग्जाम्पल के साथ आपको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होगा, देखिए प्रथम श्रेणी में क्या होता है, इसमें आलम बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे, यानी जो आलम बिंदु यानी कि फलक्रम बिंदु जो है वो बीच में रहेगा, बाकी कहीं पे रहे। अब आप समझ रहे होंगे कि फोर्स आपका इधर लगे, लोड इधर रहे, या फोर्स इधर रहे लोड इधर है, कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा। जो आलम बिंदु है यानी फलक्रम बिंदु है वो बीच में होना चाहिए। ये अगर ऐसा आपको दिखेगा तो ये फलक्रम यानी कि फर्स्ट उत्तोलक, फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक होता है। जैसे आपको डायरेक्ट क्या क्या पूछता है, अब देखिए आप पिलास देखे होंगे, जब आप पिलास देखिएगा, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि जो पिलास होता है ये फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक होता है। देखिए, इसमें जो फलक्रम होता है ये यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे लोड लेते हैं, यानी कोई भी चीज़ को पकड़ना होता है तो इसके लोड यहाँ देते हैं मुंह पे, और एफर्ट कहाँ लगाते हैं, इन दोनों आर्म पे आप एफर्ट लगाते हैं, तो पिलास को आप इजीली पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आलम बिंदु कहाँ है, बीच में है। ये एफ एल ई को समझना ज़रूरी है। ठीक है, फलक्रम, लोड और इफेक्ट, इसी में आपका जो लीवर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, आगे भी मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कैंची। कैंची में क्या होता है, देखिए इसमें आलम बिंदु यानी फलक्रम जो होता है वो बीच में होता है,
एफर्ट आप कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, और लोड कहाँ देते हैं, यहाँ पे, उसका आगे मुंह पे देखते हैं। तो फर्स्ट जो उत्तोलक होता है सिर्फ फलक्रम आलम बिंदु बीच में होना चाहिए, बाद बाकी लोड और एफर्ट कहीं भी लगे उससे हमको नहीं मतलब है। बात समझ गए, आगे और एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये तराजू का है। तराजू है, तराजू में हम क्या देख रहे हैं, क्या होता है तराजू में भी आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या है, फलक्रम जो है बीच में है, लोड आप कहाँ देते हैं एक तरफ और एक तरफ बटखारा जो है वो रखते हैं, लेकिन बीच में क्या है तो आपका आलम बिंदु बीच में है, लोड और एफर्ट दोनों तरफ देते हैं। तो ये भी आपका फर्स्ट उत्तोलक यानी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का एग्जाम्पल है। ये सब याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछता है कि तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है। बस आपको ध्यान में रखना है कि फलक्रम बीच में है, इसका मतलब है तराजू फर्स्ट का फर्स्ट उत्तोलक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये सारे एग्जाम्पल आप सब सभी को दिखा रहा हूँ। देखिए नेल जो कटर होता है, नेल कटर जो होता है, ये देखिए नेल कटर जो होता है, आप देखे होंगे लोड कहाँ देते हैं, मुंह पे। ठीक है, लोड कहाँ देते हैं, मुंह पे देते हैं। फलक्रम बिंदु कहाँ है, फलक्रम बिंदु बीच में है। आप दबाते कहाँ हैं, यहाँ ऊपर वाले सिरे को दबाते हैं। तो ये एफर्ट कहाँ देते हैं, आप यहाँ पे एफर्ट देते हैं तो आपका नाखून कटता है। यानी कि इसमें भी आलम बिंदु कहाँ पे है, आलम बिंदु है बीच में। आलम बिंदु कहाँ है यहाँ पे, तो आलम बिंदु बीच में है। तो जिसके आलम बिंदु बीच में रहेगा उसमें आप समझ गए होंगे कि आपका क्या है। ठीक है, तो जिसका आलम बिंदु बीच में है वो आपका फर्स्ट उत्तोलक है। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आप देखिए चापाकल को ले लीजिए, चापा का फलक्रम बिंदु कहाँ है, यहाँ पे है, और एफर्ट कहाँ देते हैं, यहाँ पे देते हैं उसका हैंडल पे। लोड कहाँ जाता है, नीचे जाता है और आपको पानी ला के देता है। तो ये भी फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है। ये एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। अब देखिए साइकिल का ब्रेक की बात की जाए तो साइकिल का फलक्रम बिंदु यहाँ होता है, एफर्ट आप यहाँ लगाते हैं यानी जो उसका ये है आप इसको दबाते हैं, फलक्रम बिंदु यहाँ है, जाके आगे ब्रेक लग जाता है। तो ये भी फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। और भी एग्जाम्पल हम देख देते हैं। आप देखे होंगे गार्डन में शीशा जो झूला होता है उसका फलक्रम बिंदु कहाँ होता है, बीच में। एक लड़का इधर, लड़की बैठी है इधर, लड़का बैठा है, ये इधर लोड देगा तो इधर आएगा, ये इधर लोड देगी तो इधर आएगा। यानी कि फलक्रम आलम बिंदु बीच में, बाकी लोड और एफर्ट कहीं भी रहे, ये फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक है। आगे भी देखते हैं, सरसी देखे होंगे आप, ये रहा सरसी। सरसी क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर रख के काट रहे हैं तो इसका भी आलम बिंदु कहाँ है, बीच में है, लोड यहाँ पे देते हैं, एफर्ट लगाते हैं इधर। तो आपको ये समझना होगा कि फर्स्ट श्रेणी का उत्तोलक वही होता है जिसका जो आलम बिंदु यानी कि फलक्रम जो है वो बीच में हो, क्या हो, बीच में हो, वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, इसमें वस्तु बीच में होता है। देखिए द्वितीय श्रेणी की बात की जाए तो इसमें जो है वस्तु जो है वो बीच में होगा, यानी कि लोड जो आप देंगे वो बीच में देंगे। आप देखिए फोर्स यहाँ लगाएंगे, लोड यहाँ, फलक्रम बिंदु आपका सामने होगा। ठीक है, तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। आप देखे होंगे सरौता, जब आप सरौता देखते हैं जो कसैली काटने वाला होता है उसका फलक्रम बिंदु कहाँ होता है, पूरा अरिया होता है, और लोड कहाँ देते हैं, आप बीच में, बीच में रख के एफर्ट यहाँ लगाते हैं अरिया से, तो लोड आप यहाँ दे के काट लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे जिसका फलक्रम बिंदु आपका एकदम अरिया हो, यानी कि एकदम एक तरफ हिस्सा में हो, ठीक है, यानी कि किनारा हो, ठीक है, लोड जिसका बीच में हो, जिसका लोड लोड जिसका बीच में हो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप खैनी काटने वाला मशीन देखे होंगे, फलक्रम बिंदु कहाँ होता है, उसका पूरा किनारे पे होता है, और खैनी कहाँ काटते हैं, बीच में दाब देते हैं, बीच में दाब के आई एफर्ट यहाँ से और यहाँ से देते हैं, ऐसे दाबते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, खानी एक तरफ से ठूसते रहते हैं तो कट जाता है। तो ये क्या होता है,
ये खैनी काटने का मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। आगे देखते हैं, नींबू निचोड़ने वाला मशीन देखे होंगे छोट का, कि लूडो फलक्रम तो अरिया रहता है और नींबू बीच में डाल के ऐसे फोर्स लगाते हैं तो वो रस देने लगता है, यानी कि लोड बीच में है, लोड बीच में है तो क्या हो गया, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। हाँ, ये पूरा डालने वाला पहिया देखे होंगे आप, तो अड़िया चक्का रहता है तो ये फलक्रम बिंदु हो गया। आप फोर्स कहाँ से लगाते हैं, अड़िया से, और लोड कचरा कहाँ रहता है, बीच में रहता है, तो जिसका लोड बीच में हो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, जिसका लोड बीच में हो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, याद करने का तरीका है। और जिसका फलक्रम बिंदु बीच में हो पहला श्रेणी का, जिसका लोड बीच में हो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तृतीय श्रेणी में आते हैं। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, इसमें प्रयास बिंदु बीच में होगा, यानी जो एफर्ट लगेगा वो बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहे रहे उसका मतलब है, यानी कि जो आप एफर्ट लगाएंगे वो आपका कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एफर्ट बीच में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, चिमटा देखे होंगे, ये चिमटा से बहुत काम कर सकते हैं, रोटी वोटी चाहे कोई भी चीज़ को पकड़ना है, तो एफर्ट कहाँ आप लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं बीच में, फलक्रम आपका एक तरफ होता है, और सामान कहाँ पकड़ते हैं, मुंह पे, तो एफर्ट कहाँ लगाए, एफर्ट बीच में, तो कौन श्रेणी का, तो थर्ड श्रेणी का, यानी कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो चिमटा ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन, पूछा जाता है कि चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो आप मार दीजिएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब देखिए, किसान का हल देखे होंगे आप लोग, चलाए होंगे चाहे नहीं भी चलाए होंगे तो देखे होंगे, ठीक है, ये क्या होता है, लोड देता है यहाँ से, एफर्ट कहाँ लगता है, बीच में जहाँ से हल घुसता है, अब फलक्रम कहाँ होता है, ये बैलवे खींचता है, तो किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाथ में जो बेलचा पकड़ा जाता है तो एफर्ट कहाँ लगता है, लोड तो आप सामने वाला जो ये जो अंदर डालने वाला है उसको आप बालू वालू कुछ भी उठा लेते हैं, और लोड आप फलक्रम बिंदु आपका अड़िया होता है, लेकिन हाथ बीच में पकड़ के उठाते हैं ना, तो एफर्ट कहाँ लगता है, इस वाले बीच वाले पोर्शन में एफर्ट लगता है, तब जाके वो सामान उठता है, चाहे बालू हो चाहे गिट्टी हो जो भी है, तो एफर्ट आप बीच में लगाते हैं, तो आपका ये हाथ में वाला बेलचा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ट्रिक याद, हम मैं बोल रहा था ना FLE, इसी पे सारा मामला सेट है। F यानी कि प्रथम श्रेणी का कब होगा, जब बीच में हो, F बीच में हो। L द्वितीय श्रेणी का कब होगा, जब L बीच में हो तो वो द्वितीय श्रेणी का होगा, और जब का E बीच में हो तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। बात समझिए, पिलास पहल का उदाहरण मेरा था, पिलास पिलास मान लीजिए इस तरीके से पिलास है, ठीक है, तो इसका फलक्रम बिंदु कहाँ है, फलक्रम बिंदु बीच में है, तो ही नहीं मुंह से पकड़ते हैं, तो जिसका फलक्रम बिंदु बीच में पहला उत्तोलक प्रथम श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी की अगर हम बात करें तो द्वितीय श्रेणी, अब हमने देखा था सरौता, सरौता आप देखे होंगे जैसे इस तरीके से इसे काटने वाला होता है सरौता, जिसमें ऐसे रख के नीचे कुछ काटते हैं तो फलक्रम बिंदु बढ़िया होता है, लोड हम कहाँ देते हैं, बीच में, तो बीच में देते हैं तो द्वितीय श्रेणी का। और तृतीय श्रेणी का अभी हमने देखा है कि चिमटा, चिमटा में कहाँ देते हैं लोड, आप लोड देते हैं क्या नाम है, आगे, आप बीच में एफर्ट लगाते हैं, बल कहाँ आप लगाते हैं, मान लीजिए इस तरीके से चिमटा है तो लोडवा तो आप यहाँ से दबिएगा, तब तो ये सामानवा यहाँ से दबेगा, तो आपका एफर्ट कहाँ लगता है, बीच में, तो आपका तृतीय श्रेणी होगा। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, FLE और ये तीनों बीच में होगा, F F मतलब पहला, L मतलब दूसरा, I मतलब तीसरा, यानी कि F जब बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी, L जब बीच में होगा तो द्वितीय श्रेणी, और E जब बीच में होगा तो तृतीय श्रेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तोलक का सिद्धांत क्या होता है, उत्तोलक का सिद्धांत जो होता है वो यही होता है, अभी हमने देखा लोड, एफर्ट और फलक्रम, ये तीन चीज़ होता है, लेकिन ये एक और चीज़ है, फॉर्मूला ये जो है वो पूछा जाता है, भार बराबर भार भुजा बराबर आयास इंटू आयास भुजा, यानी भार गुना भार भुजा मतलब FL, आयास इंटू आयास भुजा FE, तो यांत्रिक लाभ जो होता है ये कभी कभी पूछ लेता है,
यांत्रिक लाभ बराबर भार बट्टा आयास या आयास भुजा बट्टा भार भुजा होता है। ठीक है, ये और एक चीज ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा और एक से छोटा तथा एक के बराबर तीनों हो सकता है। ये प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर तीनों हो सकता है, यानी प्रथम श्रेणी में कुछ भी हो सकता है। लेकिन द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक की बात की जाए तो इसका यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है, हमेशा द्वितीय का एक से बड़ा होता है, द्वितीय का एक से बड़ा होता है, प्रथम का एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर तीनों हो सकता है, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो है एक से छोटा होता है। अब आप समझ गए, द्वितीय का एक से बड़ा, द्वितीय का एक से बड़ा हो सकता है, ठीक है, और तृतीय का एक से छोटा, और प्रथम में सब कुछ हो सकता है, एक से बड़ा, एक से छोटा, एक से एक के बराबर। तो आप इस तीनों चीज़ों का आशा करता हूँ आपको याद भी हो गया होगा मेरे साथ। प्रथम में एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर तीनों होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है, और तृतीय का एक से छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि चिमटा फायर टॉन्ग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो अभी हमने पढ़ा है कि ये किस प्रकार का है, तो तृतीय प्रकार का है। क्यों तृतीय प्रकार का है? क्योंकि इसका एफर्ट बीच में लगता है, इसीलिए ये तृतीय है। चलिए, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मशीन की दक्षता होती है, मशीन की दक्षता क्या होती है? 100% से कम होती है। किसी भी मशीन का जो दक्षता होता है वो 100% से कम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तोलक हमने अभी बताया था कि उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह भार W है और प्रयास P है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा? यांत्रिक लाभ हो जाएगा प्रयास बट्टा भार बट्टा प्रयास, यानी कि भार W बट्टा P हो जाएगा, भार बट्टा प्रयास। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ होता है भार बट्टा आयास या प्रयास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी एक लीवर का उदाहरण है? तो श्रेणी एक लीवर का उदाहरण कौन है? प्लायर, सरोता, चिमटा उपरोक्त, यानी कि प्लायर ए है। इसका ए का सिद्धांत क्या होता है कि जिसका आलम बिंदु यानी फलक्रम जो है वो बीच में होता है वो फर्स्ट लीवर होता है। तो प्लायर क्या है? प्रथम श्रेणी का है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? तो यांत्रिक लाभ के लिए सही कौन है? भार बटा आयास, भार बटा आयास या प्रयास। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक श्रोता नहीं है, मनुष्य का हाथ नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, तराजू जो है आप देखे होंगे कि तराजू में फलक्रम बीच में होता है और आपका लोड इधर होता है, एफ इधर, ई इधर। ठीक है, लोड और इफेक्ट, एफर्ट जो है ये दोनों इस तरफ होता है। तो फलक्रम कहाँ होता है? बीच में होता है। तो प्रथम श्रेणी का तराजू हो गया। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।